हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर इंग्लिश क्लास. एज यू नो, वी वर टॉकिंग अबाउट मारिया शारापोवा. जैसा कि जानते हो आप कि हम मारिया शारापोवा के बारे में बात कर रहे थे. शी इज़ अ ग्रेट टेनिस प्लेयर एंड वी रेड अबाउट हर दैट विद इन 4 ईयर्स शी बिकम ऑन द टॉप. केवल 4 साल के अंदर ही वो टॉप पर पहुँच गई थी. She faced many difficulties, but she didn't give up. बहुत सारी problems face की, लेकिन फिर भी उसने give up नहीं किया. Today we will continue about Maria Sharapova, but before starting chapter, we will discuss some word meanings. So let's see. Study fastly, it means constant firm. मीन्स अटल. अपना जो डिसीज़न था वो उस पर अटल थी. उसकी जो सीनियर्स थे वो उसे टॉर्चर करते थे, बट उसने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है. सो स्टडी फास्टली मीन्स कॉन्स्टेंट फॉर्म, अटल निर्णय. मीटियोटिक, इट मीन्स अ शूटिंग स्टार, जो टूटता हुआ तारा है, नाइट के टाइम पर दिखाई देता है. आप लोगों ने भी विश मांगी होगी. फ्रोजन, इट मीन्स चिल्ड, जमे हुए. सेंटिमेंट, इट मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, विचार, आपका देखने का तरीका. एम्पली, इट मीन्स इनफ, काफ़ी. एम्बिशन, इट मीन्स डिजायर, अभिलाषा. एक्सेंट, इट मीन्स स्ट्रेस, तनाव. परेड्स, वॉक या मार्च. 26 जनवरी एंड 15 मार्च को देखा होगा, जो मार्च किया जाता है आर्मी के द्वारा. सेंसेशंस, इट मीन्स फीलिंग्स, अनुभव या भावनाएं. फॉन्डनेस, इट मीन्स अफेक्शन, किसी चीज के प्रति लगाव. सोफिस्टिकेटेड, इट मीन्स शिष्ट, जो सिंसियर होते हैं. फिजी, इट मीन्स हैविंग बबल्स ऑफ गैस इन इट, गैस के जो बबल्स होते हैं. अनवेवरिंग, इट मीन्स स्टडी, अटूट. गर्ज, इट मीन्स रिगार्ड विद एनिमी, ईर्ष्या करना दुश्मन के साथ में. रिपिंग, इट मीन्स इंजॉइंग, आनंद लेना. लिफ्टेड, इट मीन्स रेज, उठाना. मॉनेट्री, इट मीन्स फिस्कल, यानी मौद्रिक, जो मनी से रिलेटेड होता है. नाउ लेट्स सी द चैप्टर, लेट्स सी द स्टोरी ऑफ मारिया शारापोवा. टिल पैरा 5th वी हैव कंप्लीटेड एंड आई टोल्ड यू दैट शी वॉज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हर ड्रीम, फॉर परस्यू हर ड्रीम. वो अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक मेहनत करने को तैयार थी, कुछ भी सहने को तैयार थी. Now from para 6, that toughness runs through Maria even today. जो ये कठोरता है वो आज भी मारिया के अंदर दौड़ती है. It means आज भी वो अपने गोल के लिए दृढ़ निश्चयी है, determined है. It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following years. यही उसकी सफलता की थी, जिसकी वजह से उसने 2004 में विमल्डन जो क्राउन था उसे विन किया. मीन्स वो नंबर 1 पर पहुंची, महिला एकल खिताब उसने प्राप्त किया. और आफ्टर दैट, उसके बाद भी वो बिल्कुल चमकते हुए तारे की तरह जो आने वाले ईयर्स थे उनके अंदर दुनिया की नंबर 1 प्लेयर बनी. बिल्कुल एक स्टार की तरह चमक रही थी ड्यू टू हर हार्ड वर्क एंड हर डिटर्मिनेशन. वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस. उसकी जो ये यात्रा थी, जमे हुए जो प्लेन होते हैं, साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ के जो जमे हुए प्लेन्स हैं वहाँ से, और
वुमेन टेनिस का जो टॉप था वहाँ तक पहुँचने की उसकी जो ये स्टोरी थी, उसकी जो ये यात्रा थी, उससे जो टेनिस के जो फैंस थे वो उनके दिलों को टच कर चुकी थी, उनके दिलों में बसती थी. इट मीन्स दे लव हर वेरी मच. फॉर द यंगेस्ट हर सेल्फ देयर अपियर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट. इस यंगेस्टर के मन में जो ये युवती है, इनके मन में सेंटिमेंट्स के लिए, भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है. द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स वैन ask about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifice worth it. जब उनसे उनकी सफलता के बारे में पूछा जाता है कि उन्होंने जो ये उनकी जो ambitions थी ये कैसे फुलफिल की हैं, तो उनका सीधा आंसर होता है, वो यही कहती हैं कि इन सब के पीछे मेरा त्याग है, मैंने जो sacrifice किए हैं वही, उन्हीं के कारण मैं आज टॉप पर हूँ. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. वो खुद कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रतियोगी हूँ. आई वर्क हार्ड एट वट आई डू. मैं जो भी करती हूँ उसमें मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ. इट्स माई जॉब. और ये मेरा काम है, क्योंकि मुझे अगर सक्सेस अचीव करनी है तो हार्ड वर्क तो करना ही होगा. दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस. यही उनकी सफलता का मंत्र है. दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी. जो मारिया शारापोवा है वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के साथ में बोलती हैं, मीन्स उनकी जो लैंग्वेज है उस पर इफेक्ट अमेरिकन लैंग्वेज का है, लेकिन बहुत ही गर्व के साथ में वो कहती हैं कि मैं जो मेरी जो राष्ट्रीयता है, मैं जो नागरिक हूँ वो रशिया की हूँ. Clearing all doubts, सारे doubts को clear करते हुए she says I am Russian. वो कहती हैं कि मैं Russian हूँ, चाहे मैंने अमेरिका में रही हूँ but मैं नागरिक तो रशिया की हूँ. It's true that the US is a big part of my life. वो कहती हैं कि हाँ ये सच है कि US जो अमेरिका है वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो 9 years की थी तभी अमेरिका आ गई थी ट्रेनिंग के लिए. बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. लेकिन मैं रशिया की नागरिकता रखती हूँ. माई ब्लड इज़ टोटली रशियन. और मेरा जो खून है वो पूरी तरीके से रशियन है. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी. अगर जो मेरी कंट्री रशिया है वो मुझे खेलने देगी तो मैं ओलंपिक्स भी अपनी कंट्री रशिया के लिए खेलना चाहती हूँ. लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज. दूसरे टीनेज लोगों की तरह, दूसरे टीनेज बच्चों की तरह उनके अंदर भी भावनाएं हैं. और मारिया जब उनसे उनकी हॉबीज पूछी जाती है तो वो बताती हैं फैशन सिंगिंग और डांसिंग उन्हें पसंद है. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. उन्हें आर्थर कॉनन डॉयल के नॉवल्स पढ़ना पसंद है. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. उनका जो इवनिंग गाउन पहनने का, शिष्ट तरीके से इवनिंग गाउन पहनने का जो शौक है उनका, वो उनके पैनकेक जिन पर चॉकलेट फैली हुई होती है उन्हें खाने और जो फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स होती हैं उन्हें पीने से मेल नहीं खाता है. मीन्स बिल्कुल डिफरेंट लगता है कि जो ऐसा गाउन पहनने वाली गर्ल है उसे ये सब भी खाना पसंद होगा, तो ये मेल नहीं खाते हैं. मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्डेड और कैटेगराइज्ड. मारिया शारापोवा को किसी श्रेणी में बंद करके नहीं रखा जा सकता है, श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता है. मीन्स किसी एक कैटेगरी में बांधा नहीं जा सकता है. हर टैलेंट अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सेड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. उनका जो टैलेंट है वो अटूट, जो उनकी इच्छा थी उसके कारण उन्हें सफलता मिली है. और हर सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार रहती थी, इसके कारण उन्हें सफलता मिली है और वो दुनिया के शीर्ष पर पहुंची हैं. फ्यू वुड गर्ज हर द रिचेस शी इज़ नाउ रिपिंग.
कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि अब वो अमीर हैं और जो उन्होंने मेहनत की थी उसकी वो फसल अब काट रही हैं. दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस. यही वो है जो वो टेनिस के बारे में कहती हैं और कि इसकी वजह से ही उन्हें ये जो मॉनेटरी है, ये जो मौद्रिक लाभ मिले हैं. ऑफ़ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, वो कहती हैं वास्तव में मनी भी एक मोटिवेशन है, प्रेरणा है. टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, टेनिस एक व्यवसाय और खेल दोनों हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दुनिया में नंबर वन बनना है. दैट्स द ड्रीम दैट kept me going, यही वो सपना है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है. इट मीन्स मैं टॉप में जाना चाहती थी, वर्ल्ड के शीर्ष पर, दुनिया के शीर्ष पर जाना चाहती थी और यही सपना मुझे आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू प्रेरित करता है. इट मीन्स स्टूडेंट्स, वी हैव टू फिक्स अ गोल इन आवर लाइफ सो वी कैन डू हार्ड वर्क टू अचीव दैट गोल. वी लर्न दिस फ्रॉम दिस चैप्टर, वी लर्न दिस थिंग फ्रॉम मारिया शारापोवा. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. Thank you and have a nice day.